नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सुपरफास्ट खबरों के साथ। देशभर में चैत्र नवरात्र की धूम, दिल्ली में सातवें दिन भक्तों ने छतरपुर मंदिर में की है पूजा अर्चना। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। लालू यादव को बेल या जेल, आज होगा फैसला। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, रेपो रेट 4% बरकरार, ब्याज दरों में नहीं किया गया कोई बदलाव। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी है जानकारी। आरबीआई ने FY23 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान 7.8% से घटाकर 7.2% किया। महंगाई दर का अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 5.7% किया। मीटिंग के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, सभी सदस्यों की सहमति से ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने का लिया गया है फैसला। साथ ही बोले, सप्लाई चेन को लेकर ग्लोबल मार्केट में दबाव। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ हड़ताल पर ऑटो चालकों का कहना, महंगाई की वजह से झेलनी पड़ रही परेशानी। हड़ताल पर बैठे ऑटो चालकों ने बताया, बढ़ती महंगाई में सवारी से 10 रुपए ज्यादा मांगने पर ऑटो से उतर जाती हैं सवारी, लेकिन सरकार को हमारी परेशानी से क्या मतलब। तेल कीमतों में बढ़ोतरी के बाद गाजीपुर सब्जी मंडी में बढ़े नींबू के दाम, व्यापारी ने बताया पीछे से महंगे आ रहे हैं नींबू, 180 रुपए प्रति किलो है कीमत। बाजार में बढ़ती महंगाई से लोग परेशान, लोगों का कहना, आज ही के दिन समय में आमदनी कम हो रही है लेकिन बाजारों में रोजाना बढ़ रहे सब्जियों के दाम, ऐसे में कैसे होगा गुजारा। दक्षिण दिल्ली में मछली बाजार बंद की खबरों के बीच सीआर पार्क में खुल रहा मछली बाजार, दुकानदारों ने बताया हमें मार्केट बंद करने का कोई नोटिस नहीं मिला। यूपी के अयोध्या में चैत्र नवरात्र के लिए रामलला ने की है नई पोशाक, उनके लिए बनाई गई, कारीगरों ने बताया हमारे यहाँ कई तरीके की पोशाक किए जा रहे तैयार, हर साल हमने बनाई जाती है पोशाक। राजस्थान के करौली नगर परिषद में 10 अप्रैल सुबह 12 बजे तक बढ़ाया गया है कर्फ्यू, सब्जियों और फल समेत कई जरूरी चीजों के लिए छूट दी गई। दुनिया में अब तक 49 करोड़ से ज्यादा केस कोरोना के सामने आ चुके हैं, करीब 40 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर हो गए हैं, मौत का आंकड़ा भी 61 लाख के पार। भारत में 24 घंटे की बात करते हैं तो 1109 नए मामले दर्ज किए गए, 1000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो गए, 40 से ज्यादा लोगों की मौत बीते 24 घंटे में। भारत में 4,30,00,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक हो गए, मौत का आंकड़ा भी 5 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 11,000 से ज्यादा। राजधानी दिल्ली में कम हुए कोरोना के मामले, 24 घंटे में मिले सिर्फ 176 मामले, एक्टिव केस 551, तो वहीं मौत का आंकड़ा भी 26,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में भी थमा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 128 नए मामले, 6 मरीजों की मौत, कुल संक्रमितों की संख्या 70 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 828 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में घट रहे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले 33 नए मामले, कुल मामले 20 लाख के पार, 19 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हो गए, मौत का आंकड़ा भी 21,000 से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 27 केस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार, एक की मौत, वहीं एक्टिव केस की संख्या भी बढ़कर 309 पहुंची है, मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में मिले केवल 7 कोरोना के नए केस, कुल मामले 8 लाख के पार, एक्टिव केस की संख्या भी 18 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी, 24 घंटे में मिले 96 नए केस, कुल मामले 9 लाख से ज्यादा, 336 एक्टिव केस, मौत का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा। हिमाचल में 24 घंटे में मिले केवल 11 नए मामले, कुल मामले 2 लाख के पार, 89 एक्टिव केस, मौत का आंकड़ा 4,000 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 185 करोड़ के पार। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को झटका, अदालत ने नेशनल असेंबली की है बहाल, डिप्टी स्पीकर के फैसले को बताया संविधान के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया इमरान खान का चुनाव कराने का फैसला, कोर्ट ने कहा उन्हें मानना होगा अविश्वास प्रस्ताव का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के सभी 5 जजों ने सर्वसम्मति के साथ सुनाया बड़ा फैसला, इमरान खान ने सभी सांसदों से की शांति बनाए रखने की अपील।
पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दिखी है खुशी, इमरान के खिलाफ विपक्षी दलों ने लगाए गो नियाजी के नारे, जमकर मनाया जश्न। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पीएम इमरान खान के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पर होगी वोटिंग, लोगों ने कहा अब इमरान विदाई लेने के लिए रहें तैयार। यूक्रेन रूस में युद्ध का 44वां दिन, इस्तांबुल में बातचीत के बावजूद यूक्रेन पर जारी रहे रूस के ताबड़तोड़ हमले। रूस यूक्रेन में महासंग्राम जारी, लगातार कई शहर पर रूस दाग रहा मिसाइल है, यूक्रेन के कई शहरों की तबाह करने की तस्वीरें भी सामने आई। यूएनएचआरसी से रूस को किया है बाहर, निलंबन प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 93 वोट, तो वहीं भारत समेत 58 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस यूक्रेन जंग पर लोकसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, जारी किया भारत का औपचारिक बयान, बूचर नरसंहार के कड़े शब्दों में की है निंदा, बोले जंग से नहीं निकल सकता कोई भी हल। भारत के ऊर्जा व्यापार पर अमेरिका की टिप्पणी, कहा अमेरिका को नहीं लगता भारत को करानी चाहिए रूस ऊर्जा के आयात में तेजी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जैन साकी ने कहा भारत के आयात में विविधता लाने के पक्ष में, अमेरिका एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में सेवा करने के लिए तैयार। व्हाइट हाउस ने की है रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा, पुतिन की बेटियों पर पहली बार किया व्यक्तिगत प्रतिबंध, पुतिन के परिवार के सदस्यों के पास अकूत शक्ति का शक। आज दिल्ली दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात, सांसदों से भी कर सकते हैं मुलाकात, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ भी आएंगे दिल्ली। आज से 2 दिवसीय रोहतक दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल, देर शाम पहुंचेंगे रोहतक, 9 अप्रैल को एमडीयू के कार्यक्रम में होंगे शामिल, गांव आनंदपुर में करेंगे स्कूल का उद्घाटन। चंडीगढ़ में सीएम कई योजनाओं का उनके द्वारा किया गया शुभारंभ, कश्मीरी पंडितों को जमीन आवंटन योजना की है शुरुआत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के अधिकारी जुड़े। बुढ़ापा पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की, अब बुढ़ापा पेंशन के लिए नहीं करना होगा आवेदन, 60 साल होने पर मिलेगी पेंशन। कश्मीरी पंडितों को हरियाणा सरकार की बड़ी सौगात, हरियाणा में खत्म हुआ 30 सालों का इंतजार, खरीदी जमीन का हक देने के लिए वचन पूर्ति मिशन का शुभारंभ, सीएम ने 182 परिवारों को सौंपे आवंटन पत्र। SYL के पानी को लेकर सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान, पानी देना या ना देना हमारा विषय नहीं, SYL पर आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, फैसले के मुताबिक हमें मिलना चाहिए पानी। पंचकुला में नेशनल हेल्थ फेस्ट फॉर दिव्यांगजन कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर की है शिरकत, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ए पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री का पलटवार, बोले जनता को गुमराह कर रही कांग्रेस, 134 ए खत्म करने से कोई नुकसान नहीं। यमुनानगर में सीएम के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और जिला प्रशासन के अधिकारी, शिक्षा मंत्री ने लाभार्थियों को वितरित किए प्रमाण पत्र। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा प्रदेश सरकार अंत्योदय यानी कि हर अंतिम का उदय उसके लिए लगातार कर रही काम, ऑनलाइन योजनाओं के माध्यम से जनता को जा रहा लाभ। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान, कहा आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लोक लुहाने और झूठे वादे कर बनाई सरकार, अब वादे पूरे ना होने पर भ्रमित कर रही पंजाब सरकार। जेपी दलाल ने कहा केजरीवाल ने हरियाणा का नमक खाया और अब SYL का पानी नहीं दे रहे, लोग समय आने पर केजरीवाल को सिखाएंगे सबक। पंजाब में आई आम आदमी पार्टी की बंपर जीत को लेकर बोले हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, कहा पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत वो एक्सीडेंटल जीत है। बल्लभगढ़ अनाज मंडी अचानक पहुंचे प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, किसानों से सुनी है उनकी समस्याएं, मंडी में अड़ातियों से भी ली जानकारी। तो वहीं सरकार की तरफ से गेहूं खरीद में नहीं आएगी कोई परेशानी, सरकारी एजेंसी कर रही है खरीद। हरियाणा सरकार का खिलाड़ियों को तोहफा, हरियाणा में खिलाड़ियों की बढ़ाई गई खुराक राशि, 250 रुपए की जगह मिलेंगे 400 रुपए रोजाना, खिलाड़ियों और खेल मंत्री ने सीएम से की थी मांग।
कैथल में सीएम के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश झाड़ा, 25 लाभार्थियों को किया सम्मानित। कमलेश झाड़ा ने कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में सरकार आमजन, गरीब और वंचित लोगों के हित के लिए कर रही काम। फरीदाबाद में विधायक नरेंद्र गुप्ता ने एफएमडीए और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ किया सड़कों का निरीक्षण। अधिकारियों को डिवाइडिंग रोड पर डायवर्जन तुरंत खोले जाने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा, जनता की सहूलियत पर रखे विशेष तौर पर ध्यान, मानसून से पहले शहरवासियों को टूटी सड़कों से मिलेगी निजात। हरियाणा में लगातार बढ़ रहा आम आदमी पार्टी का कुनबा, नूह जिले के दो कांग्रेसी नेताओं ने हाल ही में पूर्व टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष ने ज्वाइन की है पार्टी। चंडीगढ़ के मुद्दे पर बुलाई गई नगर निगम की बैठक में जोरदार हंगामा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हुई है खूब गहमागहमी। फरीदाबाद में छात्राओं को जागरूक करने के लिए विशेष सेमिनार का आयोजन महिला आयोग हरियाणा की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। टोहाना में राम मंदिर के दर्शन के लिए महिलाओं में उत्साह, महिलाओं का एक जत्था अयोध्या हुआ रवाना। रेवाड़ी में बदलती स्थिति के चलते गाड़ियां लोहारों में अपना पुश्तैनी धंधा बदला, अब मिट्टी के बर्तन बेचकर अपनी आजीविका चला रहे लोहार। महंगाई और बढ़ती गर्मी के कारण बढ़ सकते हैं नारियल पानी के रेट, लगातार बढ़ती गर्मी से नारियल पानी पीने का सहारा लेते लोग दिखाई दे रहे। रोहतक में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा, कर्मचारी निजीकरण और नई भर्तियां करने के लेकर दो घंटे दिया सांकेतिक धरना। फतेहाबाद में गेहूं कटाई के सीजन में हड़ताल पर गए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, प्रशासन पर पिछले 6 महीने से वेतन ना देने का आरोप लगा दिया। चंडीगढ़ में महंगाई पर हरियाणा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च को चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। नारनौद में गलत तबादलों के विरोध में अनुबंध विद्युत कर्मचारी संघ ने किया है प्रदर्शन, प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। फतेहाबाद में हटाए गए एनएचएम आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा शहर में निकाला गया रोष मार्च, अपनी मांगों के समर्थन में विधायक को सौंपा ज्ञापन। बल्लभगढ़ में लोगों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए दिया है धरना, लोगों ने कहा पिछले 4 महीने से हो रही पानी की समस्या। रेवाड़ी में तेज रफ्तार कार का कहर, कार ने स्कूटी सवार 2 लोगों को मारी है टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार चाची भतीजे की दर्दनाक मौत। तो वहीं पूर्जी में बाइक में जोरदार टक्कर लगने के चलते बड़ा हादसा हुआ, हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कोविड काल में बड़ा घोटाला उजागर, सोनीपत के नागरिक अस्पताल पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप, कोविड बजट से एम्बुलेंस की जगह निजी गाड़ियां लगाकर लाखों रुपए का गबन करने का आरोप। बहादुरगढ़ अनाज मंडी के 6 अड़ाती खरीद प्रक्रिया से बाहर, अड़ातियों ने मार्केट कमेटी के सचिव और कर्मचारियों पर 50,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था, अड़ातियों ने कहा रिश्वत नहीं देने पर लाइसेंस नहीं किया रिन्यू। अंबाला में महिला नशा तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, पत्थरबाजी में 4 पुलिसकर्मी हुए घायल। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और गुरुग्राम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अमेरिकी मूल के लोगों के साथ ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने रेड के दौरान 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, मौके से 22,50,000 से ज्यादा की नकदी बरामद की। जींद के नरवाना में नगर परिषद के ईओ गिरफ्तार, महिला क्लर्क से छेड़छाड़ का आरोप, महिला कर्मचारी ने की थी अभद्र मैसेज भेजने की शिकायत, पुलिस ने कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। 12वीं की भूगोल की परीक्षा में नकल करवाने वाले बोर्ड पर एक्शन, हरियाणा में आज पकड़े गए 66 केस, जींद में मोबाइल मिलने पर पर्यवेक्षक को हटाया। महम में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल करवाने के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, स्कूल के प्रिंसिपल से सभी आरोपी गिरफ्तार किए गए।
फरीदाबाद पुलिस ने गैम्बलिंग एक्ट में एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक परचून की दुकान पर खिलाता था जुआ, आसपास के लोग थे परेशान। अम्बाला में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने पूरी तरीके से कसी है कमर। नाकेबंदी कर ट्रैफिक नियमों की उल्लंघन करने वालों के चालान काटे। करनाल में पंचायत भवन के पास एक व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। थाने से कुछ बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। रोहतक वैश्य कॉलेज के पास स्थित गौशाला के दान पत्र में चोरी, दान पत्र को काटकर 50,000 रुपए की नकदी लेकर चोर मौके से फरार हो गए। रिवाड़ी में बाइक चोरों के हौसले हैं बुलंद। दरोगा की बाइक को ही चुराकर चोर फरार हो गए। पुलिस कॉलोनी में वारदात को अंजाम दिया। गुरुग्राम में बेटे ने किया बुजुर्ग मां का कत्ल। बुजुर्ग मां पर चाकू से किए थे कई बार। सीसीटीवी में कैद हुई है वारदात। आरोपी बेटा पुलिस की गिरफ्त से बाहर। करनाल में 5 वर्षीय जज की हत्या मामले में इकट्ठा हुआ है वकील। प्रदेश के वकीलों ने केस ना लेने की अपील। पानीपत के विकास नगर में शराब के नशे में युवक ने की आत्महत्या। पुलिस ने शव को बरामद कर जांच पड़ताल शुरू की। यमुनानगर की पश्चिम यमुना नहर में मिला एक नवविवाहिता का शव। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। करनाल के गांव उपलाना की खेती में लगी है भीषण आग। 30 एकड़ से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर हुई है नष्ट। मशीन से निकली चिंगारी के चलते लगी थी आग। हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला। खाली पड़े पदों को भरने का हुआ है मंथन। जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीएम जयराम ठाकुर, 4 साल ईमानदारी से किया है काम। जनता को गुमराह ना करें केजरीवाल। नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी से हिमाचल को मिली है 2 आधुनिक एम्बुलेंस। राज्यपाल ने दिखाई हरी झंडी। रोगी वाहन बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस एम्बुलेंस। कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया ने की है जनसभा। कहा नूरपुर को जिला बनाने की लड़ रहा, सालों से लड़ाई, नूरपुर को जिला बनाकर ही रहूंगा। कोविड के आंकड़ों में गिरावट से आईजीएमसी में मरीजों को राहत। अब ऑपरेशन से पहले नहीं कराना पड़ेगा कोरोना टेस्ट। मुख्यमंत्री ने सुंदरनगर में किया सुकेत देवता मेले का शुभारंभ। जले पर हेलीकॉप्टर से की गई है पुष्प वर्षा। शाकुदेव वाटिका में जवाहर पार्क सुंदरनगर तक निकाली गई शोभा यात्रा। ऊना में सिख समुदाय ने किया है जोरदार प्रदर्शन। परीक्षा में बैठने की अनुमति ना देने पर रोष। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने सौंपा डीसी को ज्ञापन। राजधानी शिमला में अभिभावक निजी स्कूल प्रबंधन की मनमानी से परेशान। फीस में बढ़ोतरी और चिन्हित दुकानों से ड्रेस खरीद पर रोक लगाने की मांग। बाबा साहेब के नागा नवाना मंदिर में श्रीमद भगवत कथा का आयोजन। हर रोज भारी तादाद में जुट रहे श्रद्धालु। सोलन के नगर परिषद कार्यालय में शहर के अलग अलग क्षेत्रों में लगाई गई वाटर एटीएम मशीनें। शहरवासियों और व्यवसायियों को मिलेगा अच्छा और स्वच्छ पानी। हमीरपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस पर नर्सिंग कॉलेज की छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया है जागरूक। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा नशा कारोबार। हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड के संयोजक ओपी शर्मा ने कहा सीमा पार पाकिस्तान से भी हो रही नशा तस्करी। सोलन में विकास को गति देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। काम कराने को लेकर नहीं बन रहा विभागों में आपसी तालमेल। धर्मशाला में बेरोजगारी कम करने को लेकर अलग अलग जगहों पर हो रहे कैंप के आयोजन। कैंप में सरकार की योजनाओं के बारे में दी गई है जानकारी। नूरपुर की बेटी ने राष्ट्रीय रोइंग प्रतियोगिता में जीता है कांस्य पदक। शबीना बेगम ने माता पिता को दिया जीत का श्रेय।
स्वरघाट के NH 205 चंडीगढ़ मनाली पर बड़ा हादसा, 300 फीट गहरी खाई में लुढ़का ट्रक, चालक परिचालक गंभीर रूप से घायल। नूरपुर में सरोवर में डूब रहे युवक की दिव्यांग युवक ने बचाई है जान, मंदिर कमेटी ने जान बचाने वाले युवा को बहादुरी पुरस्कार देने की मांग की। नालागढ़ में SDM परिसर में हेरिटेज सोसाइटी पार्क की नीलामी को लेकर हुई है बैठक, नालागढ़ के SDM ने की बैठक की अध्यक्षता। बिलासपुर के अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने का फैसला लिया गया, MS डॉक्टर संजीव वर्मा ने कहा समस्या आने पर करें सीधा संपर्क। बिलासपुर में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर कबाड़ में लगी है आग, दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। चंबा में फायर सीजन को लेकर वन मंडल ने किया है मास्टर प्लान तैयार, इसको लेकर विभाग ने की 4 रेंज पर टीम गठित। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।